अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शहाद, उम्मीद है कि सब बखैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको हंसता रखे, आबाद रखे, खुशियाँ अता फरमाए। तो दोस्तों, ये बड़े कद काठ की एक गाय है, बड़े तगड़े वजूद वाली, लेकिन कीमत पे बड़ी मुनासिब मिलेगी। जब कह दिया ना कि कीमत में मुनासिब मिलेगी, तो फिर पूरी वीडियो वाच किया करें, इंशाल्लाह जानवर अच्छा ही होता है और कीमत भी ठीक होती बिल्कुल। तो गाय चेक कर लें, माशाल्लाह जी दूसरी बारी डिलीवर करने के लिए तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो मिल्क का रिकॉर्ड था वो 24-25 किलो इसने पहली बारी में अपने मालकों को दूध दिया है, 24-25 केजी तक। गाय का जितना बड़ा लान है माशाल्लाह, इस बार तो उम्मीद है कि ये दूध ज़्यादा करेगी, लेकिन दूध की बात नहीं करते, तैयार है सूने के लिए। अभी दिन निकालेगी, कोई 5-7 दिन निकाल लेगी गालबन। और माशाल्लाह कद काठ में तगड़ी है। लोकेशन आपको बता दें कि खुशाब सिटी उधर है नासिर भाई, नासिर भाई के फॉर्म पर गाय खड़ी है। अगर कोई हमारा भाई इंटरेस्टेड हो, गाय अच्छी है, कीमत भी आपको बता देते हैं, कीमत में भी मुनासिब है। लेकिन उससे पहले आप भी एक काम करें, इतनी मुश्किल से आपके लिए जानवर ढूंढ के लाते हैं यार, वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, कोई ख़र्चा नहीं आता इस पर। इसकी डिमांड जो नासिर भाई कर रहे हैं वो 2,55,000 रुपया डिमांड है जी। 2,55,000 रुपये की गाय है, सूने के लिए तैयार है, दूसरी बारी है, मुँह से गालबन जी 4 दांत है। और कद काठ में आपको आइडिया होगा माशाल्लाह, एक तो हेल्थी बॉडी है और दूसरे नंबर पर लंबी बेल वाली गाय है। मज़ीद अगर आपको इसके फ़ोटो या वीडियो लेनी है तो नासिर भाई के साथ रब्ता करें, बेहतर है कि टाइम निकाल के उधर चले जाएं उनके फार्म पे। आपकी आंखों के सामने होगा जानवर, आपकी तसल्ली हो जाएगी। अगर नहीं जा सकते तो व्हाट्सएप पे ले लें नासिर भाई को, तो मुतमिन होना चाहिए आपको, आपकी तसल्ली होनी चाहिए जैसे भी हो। तो बाकी प्राइस भी फ़ाइनल वही करेंगे, चीज़ उनकी है, उनके दरवाज़े पर खड़ी है, इंशाल्लाह रेट अच्छा है मेरे देखने में। बाकी आप लोग एक्सपर्ट हैं, कॉमेंट करके बताएँ कैसा रेट है। गाय माशाल्लाह तगड़ी है, कद काठ में छोटी गाय नहीं है। कीमत भी 2,55,000 रुपया, 24-25 के जी रिकॉर्ड के साथ। तो बाकी आप बताएं कमेंट करके, अच्छी लगे दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और कमेंट लाजमी करना आपने।